सो जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लुओ फेंग था वो ऑलरेडी लाइफ एंड डेथ इनहेरिटेंस के रेस के अंदर लग चुका था, और स्टार टावर जैसे इनॉर्मस ट्रेजर को प्राप्त करने के लिए लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा पेन सहना पड़ रहा था। वही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उसको ऑलरेडी कई हज़ार साल हो चुके थे, और इस चैप्टर में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उसको लगभग लगभग 5,000 साल इसी तरीके से बीत जाता है। और जो पूटी की वॉइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित से भरी हुई थी। जो पूटी था उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो टेस्ट है ये सच्ची में 5,000 सालों तक चलेगा, क्योंकि जो पहले के दो कैंडिडेट्स आए थे वो 2,600 साल और 3,300 सालों तक ही टिक पाए थे। जो पूटी था उसके मन के अंदर बस एक ही होप था कि जो लुओ फेंग है अगर वो अभी तक टिका हुआ है और उसने इतना ज़्यादा पेन सहा है तो ये जो बच्चा है इसको फाइनली सक्सेस मिल ही जाए। इस वक्त जो लुओ फेंग की फैमिली थी वो 9 स्टार बे के अंदर रह रही थी, और क्योंकि जो लुओ फेंग की फैमिली का जो स्टेटस था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो 10,000 से भी ज़्यादा सालों तक उसकी हिस्ट्री क्रिएट थी, और लुओ फेंग का भी स्टेटस काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि वो गानवा यूनिवर्स कंट्री का लीडर था, इसलिए जो उसकी फैमिली पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज थी। वही हम लोगों को जूजिन देखने के लिए मिलती है जो कि दो लेडीज़ के साथ एक सर्टन पाथवे के ऊपर चलते हुए आगे आ रही थी, और क्योंकि जो लुओ फेंग था जो कि हाईएस्ट पावर था लुओ फैमिली का वो इस वक्त यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहा था, तो इसके पीछे की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सारी उसके ओल्डेस्ट सन लुओ फेंग के हाथों के ऊपर आ चुकी थी, और वही सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को हैंडल करता था, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते थे वो सब जूजिन खुद हैंडल करती थी। गाइस जो जूजिन थी उसकी एक स्पेशल पोजीशन थी पूरी की पूरी फैमिली के अंदर, और वो CEO भी थी पिंग हे कंपनी की। और इन 10,000 सालों में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसकी जो पोजीशन थी और अथॉरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी पहले के कंपैरिजन के अंदर। जो नॉर्मल पीपल थे या फिर लोग थे वो उसकी तरफ आँख उठा के देखने की भी कोशिश नहीं करते थे, लेकिन जूजी की आँखों के अंदर हम लोगों को हमेशा एक चिंता देखने के लिए मिली रहती थी। तभी जो जूजिन की असिस्टेंट होती है वो जूजिन के पास आती है और बोलती है, मास्टर ये लेटर है जो कि फैमिली लीडर के पास से आया है। जैसे ही ये चीज़ जूजिन को पता चलती तो एकदम से उसके आँखों के अंदर आंसू से आ जाते हैं, और एकदम से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो बोलती है ये कहाँ से आया है। तभी वो बोलती है कि ये जो लेटर है ये फैमिली हेड की तरफ से आया है जो कि वर्चुअल असिस्टेंट ने अभी अभी मुझे मेल किया है। जूजिन अपना कुछ तो भी इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, लेकिन जब उसको पता चलता है कि जो लेटर है ये लुओ फेंग के द्वारा भेजा गया है तो वो अपना सारा काम छोड़ के एकदम से उस लेटर के ऊपर फोकस करने लग जाती है, क्योंकि लुओ फेंग को गायब हुए ऑलरेडी 6,000 साल बीत चुके थे और उसका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया था। तो ऐसे के अंदर इतने टाइम तक अगर कोई भी वॉरियर अगर घर पर नहीं आया था तो उसको डेड ही घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जो लुओ फेंग है उसका जो वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्शन है वो अभी तक पूरी तरीके से कटा नहीं था, जिसकी वजह से सब लोगों को लग रहा था कि जो लुओ फेंग वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। वही जैसे ही जो जूजिन होती है वो आगे जाती है और उस मेल को रीड करने लग जाती है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं, और जूजिन के साथ जो दो लेडीज थी जो कि उसकी सर्वेंट वो जूजिन के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, और इतनी भी ज़्यादा शॉक नहीं थी क्योंकि जो जूजिन थी वो ऑलरेडी 6,000 सालों से मुँह लटका के बैठी हुई थी, क्योंकि जो लुओ फेंग था वो काफ़ी टाइम से घर पर नहीं लौट के आया था। इसी के बाद हम लोग को वो मेल दिखाया जाता है, और उस मेल के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो सारी बातें लिखी हुई थी जूजिन और लुओ फेंग के बारे में जब से वो लोग स्कूल के अंदर मिले हुए थे। ये जो मेल था ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा था, इसके अंदर लगभग लगभग 10,000 से भी ज़्यादा वर्ड्स थे। जो जूजिन थी वो चलते चलते इस लेटर को पढ़ रही थी, वो कभी चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ रही थी, कभी हवा में उड़ते उड़ते पढ़ रही थी, क्योंकि इस लेटर के अंदर अभी तक की उनके मिलने से लेके अभी तक की पूरी स्टोरी लिखी हुई थी, इसलिए ये लेटर पढ़ने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और साथ ही साथ बीच बीच में उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, लेकिन एकदम से उसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और वो एकदम से रोने लग जाती है और चिल्लाने लग जाती है, और वो जो पीछे दो सर्वेंट थे उनके भी एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं जब वो उनके यंग मिस को इस तरीके से एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। तभी हम लोगों को दूर से लुओ पिंग और लुओ हे देखने के लिए मिलता है जो कि जूजिन के बेटे थे। वही गाइस ये जो मेल था जो कि जूजिन को मिला था यही सेम मेल लुओ पिंग और लुओ हे को भी मिला था, जिसके बाद लुओ पिंग और लुओ हे जूजिन के कमरे में आ जाते हैं, जिसके बाद जो जूजिन होती है वो अपने सर्वेंट को रूम का दरवाज़ा बंद करने के लिए कह देती है। वही यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा इमोशनल मोमेंट देखने के लिए मिलता है, उसके जो दो बेटे होते हैं वो जूजिन से पूछते हैं, माँ क्या फादर सच्ची में। तभी जो जूजिन होती है वो उन दोनों को गले लगा लेती है, और उसके आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था।
गाइस ये जो लेटर था ये लो फेंग ने एक्चुअली 6000 सालों के बाद प्लान किया था, ताकि लो फेंग को भी ये पता नहीं था कि ये जो इनहेरिटेंस की उसकी रेस है ये कितने टाइम तक चलने वाली है। तो उसने सोचा था कि मैक्स टू मैक्स अगर 6000 सालों तक इसकी जो रेस है ये ख़त्म नहीं होती तो ऑटोमेटिकली ये जो लेटर है ये इन लोगों को मेल हो जाएगा। और लो फेंग को इन सारी चीज़ों के बारे में पता था कि अगर वो 6000 सालों के बाद अगर सक्सीड नहीं हो पाता तो वो मारा जाएगा, जिसके बाद वर्चुअल यूनिवर्स से भी उसका जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। और जो प्राइमल चॉस सिटी लीडर है वो भी शायद से उनको भी पता नहीं चल पाएगा जो लो फेंग है वो मारा जा चुका है, क्योंकि वो अपने ट्रेनिंग के अंदर लगे होंगे और उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कई 100 सालों की होती है, जिनके अंदर उनको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर वो फ्यूचर के अंदर लो फेंग को रिवाइव भी कर देते हैं तो इतने आसानी से जो लो फेंग है वो रिवाइव तो होने नहीं वाला था, उसको रिवाइव होने के लिए भी शायद से कुछ बिलियन ईयर लग जाते, और जो जुजिन का लाइफ स्पैन है वो बस 10 मिलियन ईयर्स का है। लो फेंग को पता था कि अगर 6000 साल के बाद उसका जो कनेक्शन है वो एकदम से टूट जाता है और वो मारा गया, जिसके बाद अगर जो सिटी लीडर है वो अगर उसको वापस से रिवाइव कर भी ले तो उसको रिवाइव होने में शायद से इतना टाइम लग जाएगा जिसके अंदर उसकी वाइफ, उसके माँ बाप और शायद से उसके बच्चे के भी बच्चे हो जाएंगे, और वो अपनी फैमिली को एक लास्ट टाइम ज़रूर मिलना चाहता था। तभी वो जो जुजिन होती है वो अपने दो बच्चों को बताती है कि तुम्हारे फादर ने इस लेटर के अंदर लिखा है कि वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रीडिकेटमेंट सिचुएशन के अंदर है, मतलब वो अभी इस वक्त यहाँ पे नहीं आ सकते और उन्हें मे बी फ्यूचर के अंदर आने के लिए 10,000 साल भी लग सकते हैं या फिर 10 मिलियन ईयर्स भी लग सकते हैं। और जुजिन को पता था कि उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 10 मिलियन ईयर्स की आसपास है, तो उसको लगता था कि शायद से वो पता नहीं लो फेंग को फ्यूचर के अंदर देख पाएगी या नहीं देख पाएगी। तभी जो लो पिंग और लो हे होता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग भी रोने लग जाते हैं। तभी जो जुजिन होती है वो उन लोगों को बताती है कि चलो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हें बुला रहे हैं, उनसे जाके मिल के आते हैं। और जुजिन जो होती है वो अपने पेन को अंदर ही अंदर सप्रेस कर लेती है। कुछ ही टाइम के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो तीनों के तीनों लोग होते हैं वो लुओ हॉन्ग गाओ, गोंग जिन लैन और लू हाउस से मिलते हैं। और इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलती है जो पूरी की पूरी लो फैमिली होती है वो एक साथ मिलके शौक मना रही थी लो फेंग के जाने का। गाइस एक लो फेंग ही था जिसके वजह से उसकी जो फैमिली थी वो आज इस जगह पे इस पोजीशन तक पहुंच पाई थी, और साथ ही साथ पूरे अर्थ के जितने भी लोग थे वो इस एंटायर गेंगू यूनिवर्स कंट्री के अंदर अपनी जगह बना पाए थे। लेकिन फाइनली ये जो पिलर है ये गिर चुका था, मतलब लो फेंग जा चुका था। तभी जो गैंग जिन लैन होती है वो जो लो फेंग के बच्चे होते हैं उन्हें लिटिल फेंग कह के बुलाती है और बोलती है कि शायद से तुम्हारे फादर अभी कभी नहीं आएंगे। तभी जो जुजिन होती है वो उठ के खड़ी हो जाती है और एक अनाउंसमेंट करती है कि हमारी लो फैमिली, हमारा अर्थ बहुत ही ज़्यादा ह्यूज क्राइसिस के अंदर है। और इस वक्त जो जुजिन की वॉइस थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्श थी, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, जिसके बाद वो बताती है कि जो लो फेंग है उसने अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड छोड़ दिया है इस मेल के अंदर, जिसके अंदर छोटी सी वेल्थ लगी गई है, मतलब थोड़ी मोट रकम है जो कि लो फैमिली के आगे के गुजारे के लिए होगी। जब उनको पता चलता है कि ये जो छोटी सी रकम है ये लगभग 50 बिलियन मिक्स एलिमेंट कॉइन्स की है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लो फेंग इतनी बड़ी रकम उनके लिए छोड़ के जाएगा। वैसे तो गाइस ये जो पैसे है ये लो फेंग के लिए कुछ भी नहीं थे, क्योंकि गाइस इससे ज़्यादा महंगे तो लो फेंग के बस जो आर्मर्स और साथ ही साथ जो उसके वेपन्स थे वही आ जाते थे, लेकिन लो फैमिली के गुजारे के लिए इतने पैसे भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। और साथ ही साथ जो जीजुन थी उसके लिए ये रकम काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल सी थी। तभी जो जुजिन होती है वो उठ के खड़ी होती है और सब लोगों को बोलती है कि अभी हम सब लोगों को ये जो प्रॉब्लम है इसे डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सम है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए इस वर्ल्ड की हिपोक्रेसी के कारण काफ़ी सारे जो पावरफुल फैमिलीज़ है वो हमें अपना टारगेट बनाएंगी और हमारे पैसों के ऊपर अपनी नज़र डालेंगी, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से भी निपटना पड़ेगा। इसलिए जो जुजिन होती है वो सबसे पहले सोचती है कि वो इमिडिएटली लियो फेंग के टीचर ट्रू यान के पास जाके उनसे इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत सलाह मशवरा ले, जिसके बाद लुओ हॉन्ग गाओ और लुओ हुआ लुओ जिन को कहता है कि जुजिन तुम जाओ यहाँ से, बाकी फैमिली को हमारे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद जो जुजिन होता है वो हा के अंदर मुंडी हिलाते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ जो जुजिन होती है वो आफ्टरऑल एक कोर मेंबर थी पूरी के पूरे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की, और साथ ही साथ उसके काफ़ी अच्छे खासे और तगड़े कनेक्शन थे ट्रू यान के साथ। वो तुरंत ट्रू यान का नंबर मिलाती है और उसको इन सारी चीज़ों के बारे में बता देती है। जो ट्रू यान थे वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे जब उनको पता चलता है जो लुओ फेंग है वो शायद से फ्यूचर के अंदर या फिर पता नहीं कभी वापस आएगा भी या नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें सुन के उनके भी एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं।
जो ट्रू यान थे उसको लग रहा था कि डिस्टिंक्ट फ्यूचर या फिर फ्यूचर के अंदर का मतलब लुओ फेंग का मतलब ये है कि वो शायद से फ्यूचर के अंदर मर जाएगा, जिसके बाद वो तभी वापस आ पाएगा जब उसको रिवाइव किया जाएगा। आफ्टरऑल उसको पता था कि वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है पूरे के पूरे वास्ट यूनिवर्स के अंदर, और उसके अंदर भी अभी तक वो लुओ फेंग को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। इसके बाद जो ट्रू यान होता है वो जूस इनको कहता है, तुम यहीं पे रहो और ज़्यादा चिंता मत करो, मैं अभी के अभी जाके प्राइमल चॉस सिटी लीडर से बात करता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। तभी जो ये जो पर्सन होता है ट्रू यान, वो इमिडिएटली वहाँ से निकल जाता है और वो इमिडिएटली प्राइमल चॉस सिटी लीडर से मिलने के लिए चला जाता है। इवन ये जो ट्रू यान था उसकी भी पावर काफ़ी ज़्यादा थी और उसकी पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन स्टिल ये भी प्राइमल चॉस सिटी लीडर के पास जाने से पहले 1000 बार सोचता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी पर्सन थे और उनकी जो रिस्पेक्ट और साथ ही साथ उनकी जो पोजीशन थी वो कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं थी कि जिससे कभी भी तुम कभी भी मिल सको। तभी जो ट्रू यान होता है वो फाइनली सिटी लीडर से मिलता है, जिसके बाद वो उन्हें बताता है अभी तक जो कुछ भी चीज़ें हुई, जिसके बाद जो सिटी लीडर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है जो लू फेंग है वो मारा गया? जो सिटी लीडर थे वो इस पर क्रॉस लेग करके बैठे थे। इसी के बाद जो ट्रू यान होता है वो बस हाँ के अंदर मुंडी हिला रहा था, वो जो कुछ भी कह रहे थे। लेकिन तभी जो सिटी लीडर होता है वो कहता है कि वो अभी भी ज़िंदा है। ट्रू यान इस चीज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी जो सिटी लीडर थे वो बताता है कि मैं अभी भी उसके लाइफ एनर्जी को फील कर सकता हूँ 7th Battlefield के स्टार टावर के अंदर से। भले उसको वहाँ पे बीते हुए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो ज़िंदा है और उसकी जो लाइफ लाइन है वो अभी भी चल रही है। लेकिन वो मुझे नहीं पता कि वो किस हालत के अंदर है और वो किस तरीके से अभी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि वो अभी भी ज़िंदा है और उसकी लाइफ एनर्जी अभी भी मैं वहाँ पर फील कर सकता हूँ। जब ट्रू यान को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसको भी इस स्टार टावर के बारे में पता था। ऊपर ऊपर से तो गाइस जो स्टार टावर था ये बस एक छोटा मतलब एक बहुत बड़ा सा टावर था जो कि बहुत पुराना और एशियन टावर था, लेकिन उसको पता था कि इस स्टार टावर के अंदर कितने सारे फॉरबिडन गार्ड्स है, लेकिन वो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन असली डेंजर्स तो इस स्टार टावर के अंदर छुपे हुए थे, क्योंकि इवन एक यूनिवर्स मास्टर भी उस स्टार टावर के साथ कभी भी मैस करने की कोशिश नहीं करता था। वो जो स्टार टावर है भले उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चमक देखने के लिए मिल सकती थी काउंटलेस सील स्टार की, लेकिन वो जो स्टार टावर का जो फ्लोर था वो हमेशा खून से रंगा हुआ रहता था और वहाँ पे खून की नदियाँ बहा करती थी। वही गाइस सीन चेंज होता है और हम लोग को स्टार टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लुओ फेंग के अगल बगल में खून की नदियाँ बह रही थी, और ये जो खून था वो लुओ फेंग का ही खून था जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बह रहा था उसके पूरी की पूरी बॉडी के अंदर से। क्योंकि गाइस मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड के अंदर ही बताया था जो लुओ फेंग है वो सेक्टर लॉर्ड लेवल का पर्सन है, और एक सेक्टर लॉर्ड लेवल की पर्सन की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबली पावरफुल स्ट्रेंथ होती है, जिसके कारण वहाँ पे नेवर एंडिंग साइकिल हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी, जिसके कारण उसकी जो ब्लीडिंग है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती और उसके बॉडी के अंदर कभी भी किसी भी खून की कमी होती है। इन जो लुओ फेंग की बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से कांप रही थी और उसके सोल के अंदर से एक थरथराता हुआ हम लोग को दर्द महसूस करने के लिए मिल सकता था, और इस दर्द को देख के जो पुटाई था वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। वो कहता है अभी तो 6000 साल बीत चुका है, 5000 सालों पहले ऑलरेडी वो अपने लिमिट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच चुका था, और जब 5600 साल हुए थे वो ऑलरेडी अपने लिमिट को पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्रॉस कर चुका था और रीच कर चुका था। उसके आगे 1 साल गुजारना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये जो पर्सन है वो 5600 सालों से 6000 सालों तक कैसे ज़िंदा आ रहा, मतलब बीच के इसने 400 साल ऑलरेडी अपनी लिमिट से एक्सीड कर दिए गए, ये ऐसे कैसे हो रहा है करके, और इसके बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है कि वो ऑलरेडी अपनी लिमिट को एक्सीड कर चुका है लेकिन उसके बाद भी वो अभी तक ज़िंदा है। वही हम लोगों को लुओ फेंग देखने के लिए मिल सकता था। हम लोगों को लुओ फेंग का मन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम लोगों को पता चलता है जो उसकी सोल है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से थक चुकी है और वो अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है, और अभी वो और आगे इस पेन को सप्रेस नहीं कर पा रहा, और साथ ही साथ बीस्ट गॉड पाथ को भी वो अभी स्टडी नहीं कर सकता। उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बस एक छोटे से धागे के समान है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से खींची जा रही है और ये कभी भी टूट सकती है। तभी जो लुओ फेंग होता है वो मन ही मन बोलता है, शायद से मैं तुम सब लोगों को आज के बाद कभी ना देख पाऊँ, मैं तुम सब लोगों को हमेशा याद रखूँगा। लुओ फेंग की जो पूरी की पूरी बॉडी की जो जान थी वो बस एक सिंगल थ्रेड के ऊपर अटकी हुई थी, और जो सिंगल सा थ्रेड था वो भी उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसकी वाइफ और उसके लव वंस थे, जिनके कारण अभी तक जो लुओ फेंग था वो ज़िंदा था और इस पॉइंट तक वो अपने मन के अंदर कुछ सोच पा रहा था। तभी जो लुओ फेंग होता है वो कहता है, काश कि मैं तुम लोगों से एक बार
एक बार, और इसी के साथ उसकी जो सोल होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग जाती है और पूरी तरीके से कांपने लग जाती है। उसके बॉडी के अंदर से एक फॉर्मलेस विल पावर, एक फोर्स बैक हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। ऐसा लग रहा था कि जो लू फैंग है उसकी मौत फाइनली आ चुकी है और अभी उसकी जो फैमिली है वो भी शायद से उसको नहीं बचा पाएगी इन सारी चीज़ों से। इस वक्त वो जो क्रिस्टल था उसके अंदर से अभी भी काफ़ी सारी एंडलेस अमाउंट ऑफ एनर्जी तो थी जो उसके सोल के साथ मर्ज हो रही थी, और उसकी जो आत्मा थी वो इस वक्त दर्द से रो रही थी, और साथ ही साथ उसके आत्मा के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि वो अपने इस लास्ट मोमेंट के अंदर भी अपने फैमिली से मिल नहीं पाया था। वो बस मन ही मन यही चीज़ बोल रहा था कि काश कि मैं तुम सब लोगों से मिल पाता। अभी इस वक्त जो लू फैंग था वो ऑलरेडी मरने के पूरी तरीके से कदार पे आ चुका था, वो किसी भी वक्त मर सकता था। अभी बस एक छोटी सी सर्वाइविंग सी जो होप थी उसी ने उसके जो छोटे से लाइफ के थ्रेड को अभी तक जकड़ के रखा था। इन सारी चीज़ों को देख के जो पुटी होता है उसकी भी आंखों के अंदर पानी आ जाता है और वो लू फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बच्चे तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, बस करो, अभी तुम गिव अप कर दो, मैं तुम्हें ऐसा ये नहीं सह सकता, तुम ऑलरेडी अपना एक अलग रिकॉर्ड बना चुके हो, तुम सब लोगों के दिल के अंदर एक अलग जगह क्रिएट कर चुके हो, तुमने वो चीज़ करके दिखाई है जो आज तक शायद से किसी ने करके नहीं दिखाई होगी और ना ही आज के बाद कोई शायद से फ्यूचर के अंदर ये चीज़ कर पाएगा। लेकिन ये जो स्टार टावर है ये काफ़ी ज़्यादा हार्श है, शायद से ये कभी किसी को अपनी या फिर अपना ओनर स्वीकार ही नहीं करेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ चाइल्ड, प्लीज़ तुम अभी अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दर्द के अंदर नहीं देख सकता, तुम अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हो, तुम्हें अभी काफ़ी ज़्यादा दिन गुजारना है, तुमने अभी तक कुल मिला के बस 10,000 सालों की अपनी लाइफ स्पैन जी है जिसके अंदर से 6,000 सालों तुमने ऑलरेडी पूरी तरह से स्ट्रगल करते हुए गुजार दिए। लू फैंग की जो बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कपकपा रही थी और साथ ही साथ अभी उसके मुंह से एक अलग सी नॉइज़ भी आना शुरू हो गई थी और उसके नाक, मुंह, कान और आंखों के अंदर से काफ़ी सारा खून बहता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर से एक लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो एंडलेस तरीके से बहता जा रहा है और वो उस खून के अंदर एक तड़पती मछली की तरह नज़र आ रहा था जो कि बस मरने वाला था और अपनी ज़िंदगी की कुछ आखिरी सांसें ले रहा था। जो पूटी था उसकी जो टेल थी वो इस वक्त ज़मीन के ऊपर आ चुकी थी और पूटी जो था वो ऑलरेडी लू फैंग के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका था और वो अपनी जो बड़ी सी टेल थी उसको ज़मीन के ऊपर बिछा चुका था, क्योंकि जो उसको पता था कि जो लू फैंग है वो कभी भी गिर सकता है तो वो उसको ज़मीन के ऊपर गिरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसे अपनी गोदी के ऊपर गिरता हुआ देखना चाहता था। इसी के बाद वो लू फैंग की तरफ देखता और बोलता है, तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, जो फर्स्ट कैंडिडेट था वो बस 2600 साल जी पाया था, जो सेकेंड था वो 3300 साल, और तुम इस वक्त 6,000 सालों से भी ज़्यादा टाइम जी सके हो, और 6,000 सालों तक एक एंडलेस पेन है ना, हर किसी की बात नहीं होती, तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो और तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, लेकिन अभी तुम गिव अप कर दो क्योंकि अभी तुम 2-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं जी पाओगे, बस करो, तुम अपनी ये लड़ाई छोड़ सकते हो अभी। इसी के साथ जो पूटी होता है वो भी ज़मीन के ऊपर इस वक्त अपने घुटनों के ऊपर आ चुका था, जिसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, स्टार टावर तुम्हारा ये इनहेरिटेंस इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, तुम इतने ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकते हो करके, और उसके आंखों के अंदर भी हम लोग को एक दर्द और एक पेन देखने के लिए मिल सकता था जो कि लू फैंग के लिए था। जो लू फैंग था ऑलरेडी उसके लाइफ के अंदर काफ़ी सारे लाइफ चेंजिंग इवेंट आए थे, पहले जब उसने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट की थी तब एकदम से उसने अपनी जी जान लगा दी थी उसको हराने के लिए और तब वो लगभग मर ही चुका था, लेकिन किसको पता था कि ज़िंदगी उसके साथ एक खेल खेल जाएगी और उसकी जो सोल है वो एक्चुअली गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ मर्ज हो जाएगी, जिसके बाद उसको एक नई ज़िंदगी मिलेगी। इसी के बाद जो लू फैंग था उसने एक प्राइड भरी ज़िंदगी और एक काफ़ी सारे जीनियस बैटल लड़े थे गोंगवा यूनिवर्स के अंदर, और साथ ही साथ उस प्राइमल चॉ सिटी लीडर के डिसाइपल की पोजीशन मिली थी जो कि छोटी बात नहीं थी, और उसके बाद उसने अपना नाम भी बनाया और उसका एक नया नाम मिला जो कि ब्लड रिवर एम्परर था, और अभी फाइनली इस पॉइंट के ऊपर उसके सामने एक और सेकंड लाइफ चेंजिंग इवेंट आ चुका है, अगर वो सक्सीड हो गया तो वो वापस से जी पाएगा और पहले से और ज़्यादा अच्छी तरीके से जी पाएगा, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो शायद से वो मर जाएगा और अभी तक जितनी भी चीज़ें उसने हासिल की थी वो सब वो खो देगा। जो लू फैंग की बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से कपकपा रही थी और इसी तरीके से कपकपाते हुए हम लोगों को फाइनली देखने के लिए मिलता है उसकी जो स्किन होती है वो फटना शुरू हो जाती है, और उसकी स्किन फट के उसके बाहर उसकी जो नसें वसें होती है वो सारी बाहर आने लग जाती है। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि जो लू फैंग है वो लगभग मर ही चुका है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी।
जो लियो फेंग था उसकी आखिरी सांसें भी इसलिए चल रही थी क्योंकि वो बस इस वक्त अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, जिसके कारण उसकी यही एक लास्ट होप उसको अभी भी उसकी ज़िंदगी की तरफ खींचते हुए लेके जा रही थी। और ये जो लास्ट उम्मीद थी इसी के वजह से वो अभी तक ज़िंदा था, जो उसको ताकत दे रही थी कि ज़िंदा रहने के लिए। वो मन ही मन कह रहा था, अपने आत्मा के अंदर कह रहा था, काश मैं तुम लोगों से वापस से मिल पाता। तभी अचानक से हम लोगों को एक अजीब सा सीन देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर ये जो स्टार टावर था इसके अंदर जितने भी काफ़ी सारे रूम्स थे, उन रूम्स के अंदर जितने भी अंडाइंग्स और जितने भी क्रिएचर्स थे वो एकदम से सडनली शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पूरा स्टार टावर था वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हिलना शुरू हो गया था। एकदम से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें हम लोगों को सुनने के लिए मिल सकती थी। पूरा का पूरा स्टार टावर के अंदर इस वक्त भूकंप आ चुका था, लेकिन वो जो 9 बड़े बड़े पिलर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े और लाइट ईयर लंबे चौड़े टॉल थे, वो हिल रहे थे या नहीं हिल रहे थे ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम लोग को एक दूसरी एरिया देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एरिया थी और ये काफ़ी ज़्यादा लोनली प्लेस थी, जहाँ पे हम लोग को एक ग्रीन कलर की लाइट फ्लोट करते हुए नज़र आ सकती थी, जिसके अंदर काफ़ी सारे नाइट लेवल के डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी ज़मीन के ऊपर। और इन सब के अंदर से एक एनर्जी थी जो कि एक ह्यूज थ्रोन के ऊपर बैठे हुए एक ओल्ड मैन के अंदर जा रही थी, जो कि लगभग 90,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा था। और इस वक्त वो ये सारी चीज़ें देख सकता था जो कि स्टार टावर के अंदर हो रही थी, और शायद से ये जो पर्सन था इसने ऑलरेडी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था या फिर उसने फ्यूचर देख लिया था स्टार टावर का कि अभी आगे क्या होने वाला है। उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि शायद से वो जो प्रोसेस है स्टार टावर का वो ख़त्म होने वाला है, वो जो स्टार टावर है उसने अपना ओनर चूज कर लिया है फाइनली। इतने सालों के बाद ट्रिलियंस ऑफ ईयर के बाद एक अर्थ रेस के अंदर से फाइनली एक वॉरियर ऐसा प्रोड्यूस हुआ जो सबसे ज़्यादा अलग हो, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल हो, और वो फाइनली उसने कर दिखाया। सडनली ये जो बुढ़ा होता है ये उठ के खड़ा होता है और अपनी जगह से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इसी के साथ जो पूटी था उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो बोलता है क्या ये सक्सेस है। और वो जब लो फेंग की तरफ देख रहा था तो लो फेंग की बॉडी थी वो कपकपाना बंद हो चुकी थी, और साथ ही साथ उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो पूरा प्रोसेस है ख़त्म होने वाला है और ये शायद से कुछ 2 से 3 साल और चलने वाला है। और इसी तरीके से हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लो फेंग होता है वो ऑलरेडी 6,092 ईयर्स तक जिंदा रह चुका था और कुछ 2-3 सालों तक इसी तरीके से और आगे बढ़ता रहता है। इस वक्त जो पुटाई था वो यही सोच रहा था कि इवन वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तरीके से लड़ा हो और उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से लड़ा हो, लेकिन उसके बाद भी उसके बॉडी के अंदर तो कोई एनर्जी बची ही नहीं थी, तो उसे शायद से अभी तक मर जाना चाहिए था या फिर उसके बॉडी को रिस्पॉन्स करना बंद कर देना चाहिए था। और साथ ही साथ वो जो क्रिस्टल था जो कि उसके बॉडी के साथ मेल्ड हो रहा था या फिर उसके सोल के साथ मेल्ड हो रहा था वो भी इस वक्त पूरी तरीके से सक्सेस हो चुका है। क्या ये फेथ सच्ची में डिक्रीज़ हो चुका है? क्या ये सच्ची में स्टार टावर ने लो फेंग को अपना मास्टर चूज़ कर लिया? इसी के बाद वो मन ही मन कहता है कि जो लो फेंग है उसने सच्ची में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, उसका जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा पत्थर दिल है, उसने इस दर्द को इतने सालों तक सहा है। जब लास्ट टाइम उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ था वो 3,200 सालों पहले हुआ था, और शायद से आज अगर वो तब वो इवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो आज लो फेंग 3,000 साल और ज़्यादा नहीं जी पाता। और 3,000 साल और जीने के बाद फाइनली जब वो वापस से अपने लिमिट के ऊपर आ चुका था और वो अपने लिमिट को भी क्रॉस कर चुका था, इसके बाद वो 500 सालों तक उसने अपने आप को और वापस से होल्ड किया, और 500 साल होल्ड करने के बाद फाइनली एक और फाइनल इवोल्यूशन हम लोगों को देखने के लिए मिला। शायद से जो मेरिकल्स है वो भी तभी क्रिएट होता है या फिर वो तभी होता है जब कोई इतनी ज़्यादा हार्डवर्क करे और जो इम्पॉसिबल है उसे भी पॉसिबल बना दे। अचानक से हम लोगों को लो फेंग देखने के लिए मिलता है, एकदम से वो अपनी आंखें खोलता और ज़ोर से चिल्लाता है फाइनली मैं कामयाब हो गया। उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी हम लोगों को निकलती हुई दिख सकती थी। उसकी फ़िलहाल तो उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से ब्लड से कवर थी, लेकिन उसके आँखों के अंदर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने के लिए मिल सकती थी। वो फाइनली अपने रिलेटिव्स के पास वापस से जा सकता था, वो मरा नहीं था। उसकी जो सोल थी वो बहुत बुरी तरीके से टायर्ड हो चुकी थी, इवन उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से थक चुकी थी, उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक खुशी का माहौल था कि फाइनली उसने इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया और वो ये इस जंग को जीत चुका है। लेकिन इससे पहले कि जो लो फेंग है वो और ज़्यादा कुछ और सोच पाता, उससे पहले जो लो फेंग है वो जो बैठा हुआ था क्रॉस लेग करके वो डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर गिर जाता है और एक डीप स्लीप के अंदर चला जाता है। जब पूटा है लो फेंग को इस तरीके से सोते हुए देखता है तो उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो बोलता है
क्या क्या तुम सच्ची में सो गए? ये सीन काफ़ी ज़्यादा रेयर था देखने के लिए, क्योंकि एक सेक्टर लॉर्ड लेवल का वॉरियर जो है वो शायद ही कभी अपने लाइफ के अंदर सोता है, उसकी बॉडी थकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और एक अनडाइंग तभी सोता है जब उसकी बॉडी कोमा में जा चुकी हो या फिर वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो चुका हो, और एक सेक्टर लॉर्ड लेवल का पर्सन उसके बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि शायद से उसको कभी सोने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन उसको पता था कि जो लो फेंग है वो डिफरेंट है, और ऑलरेडी उसने अपनी कंडीशन को इतना ज़्यादा हार्श बना दिया और अपने आप को इतना ज़्यादा पुश आउट और पुल आउट कर लिया कि शायद से उसकी जो बॉडी है वो भी अभी थक चुकी है और अभी उसको उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लो फेंग होता है वो एक लंबी नींद के अंदर चला जाता है। इसी के साथ गाइस वक्त बीतता रहता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लो फेंग था वो एक तरीके से एक कोमा के अंदर ही जा चुका था, और लगभग लो फेंग की जो स्लीप है वो 9 सालों तक चलती है। मतलब आप सोच सकते हो कोई पर्सन 9 सालों तक कैसे सो सकता है। लो फेंग ने इस वक्त एक काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा सपना देखा था जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। उसने अपने सपनों के अंदर वो सारी चीज़ें देखी थी जो वो देखना चाहता था। इसके बाद हम लोगों को फाइनली 9 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें लो फेंग की बॉडी एकदम से हिलती है, उसके अंदर कुछ मूवमेंट होती है। तभी जो लो फेंग की आंखें होती है वो एकदम से धीरे धीरे करके खुलती है। उसने आज तक इतना लंबे टाइम तक कभी भी नहीं सोया था, और उसको ये भी पता था कि उसकी जो सोल है वो शायद से अभी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है और उसका जो सपना है वो भी ख़त्म हो चुका है। तभी उसके कानों के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी और प्लीजेंट सी आवाज़ आती है कि बच्चे तुम उठ गए। तभी जो लो फेंग होता है वो उस आवाज़ को सुन के एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है, और जब वो उठ के खड़ा होता है उसके सामने 2 सेल्थाउट मौजूद थे जिसके अंदर से एक पुटाई था जो कि यूनिवर्स मास्टर था, और उसके साथ एक दूसरा बुड्ढा हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था। गाइस ये जो दूसरा बुड्ढा था ये लगभग इस वक्त 900 मीटर ऊंचा चौड़ा था, और साथ ही साथ ये पूरी तरीके से नॉर्मल ग्रीन कलर के आर्मर पहना हुआ था, और 2 ट्रांसलूसेंट हॉल उसके सर के ऊपर हम लोग को देखने के लिए मिल सकते थे, और वो लो फेंग को ही देख रहा था इस वक्त। और इस पर्सन के अंदर से इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी कि लो फेंग को ऐसा लग रहा था कि जो लो फेंग है वो एक सूरज के सामने खड़ा है। मतलब एक नॉर्मल इंसान किसी सूरज के सामने खड़ा हो तो उसको कितना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होगा, या फिर उसके सामने सूरज इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि शायद से वो पूरी तरह से सूरज को देख भी ना सके। वही सेम फीलिंग इस वक्त लो फेंग को आ रही थी। लेकिन लो फेंग को एक चीज़ और समझ नहीं आ रही थी कि वो यूनिवर्स के लॉस को समझ नहीं पा रहा था। उसके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेशर फील होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा था। इसी के साथ गाइस हम लोगों को पता चलता है कि जो लो फेंग है उसने लिटरली अपने बॉडी को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया, और उसने अपनी ह्यूमन बॉडी, मूषा बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को कुछ इस तरीके से उसने कर पाया है, या फिर कुछ इस तरीके से उसने ट्रेन किया है कि इवन जो यूनिवर्स के लॉज है उन्होंने भी उनके सामने हार मान ली, और उन्होंने यूनिवर्स के लॉ को भी अपने हिसाब से फोर्स आउट कर दिया। मतलब अभी जो यूनिवर्स है वो इनके हिसाब से चल रही है। अगर लो फेंग चाहे कि यहाँ पे कोई पर्सन मर जाए तो वो पर्सन मर जाएगा, लो फेंग चाहे कि कोई पर्सन पानी में से आग जला दे तो पानी में से आग जल जाएगा, अगर लो फेंग चाहे कि जो कोई पर्सन आग के मारे पूरी तरीके से जम जाए तो वो पर्सन जम जाएगा। और यही एक ट्रू पावर थी एक ग्रेट बींग की। इसी बात जो लो फेंग होता है वो 900 मीटर टॉल उस बुड्ढे की तरफ देखता है, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक और काफ़ी ज़्यादा अजीब ढंग से उस बुड्ढे को देख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस पर्सन के सामने यूनिवर्स के लॉस भी फेल थे, और इवन उसको कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा है। तभी लो फेंग के मन के अंदर कुछ आता है और वो कहता है क्या ये वही पर्सन है जिसने 9 वॉल्यूम्स को क्रिएट किया है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं जो लो फेंग के पास 9 वॉल्यूम मैनुअल है, जो नेमलेस मैनुअल्स है, वो भी यूनिवर्स के लॉस के खिलाफ काम करती है। और रही बात गाइस इस बुड्ढे की, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था ये जो बुड्ढा है वो 90,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, लेकिन इस वक्त वो लो फेंग के साथ आसानी से अपना मेल मिलाप कर सके इसलिए उसने अपनी बॉडी के साइज़ को काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया, और इस वक्त वो बस 900 मीटर का नज़र आ रहा है। इसी के साथ ये जो बुड्ढा होता है वो लो फेंग की तरफ देखता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से तुम लीडर हो अर्थ रेस के, और तुम्हें मैं राइट देता हूँ कि तुम इस यूनिवर्स के ऊपर राज कर सको। और ये जो आवाज़ थी ये इतने ज़ोर से गूंजती है कि एकदम से पूरी के पूरे बादल जो होते हैं वो फट जाते हैं, और काफ़ी ज़ोर के हम लोगों को बिजली की भी आवाज़ें देखने के लिए मिल सकती थी। उसके साइड में जो पुटी था वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्माइल कर रहा था, और वो लो फेंग की तरफ देखते हुए बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से तुम मेरे 3rd जूनियर बनने वाले हो। और इसी के साथ गाइस आज का ये जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो होप करता हूँ कि आपको ये जो एपिसोड है ये पसंद आया होगा, और इसी एपिसोड के साथ साथ जो लो फेंग है वो अर्थ रेस का एक वॉरियर बन चुका है, अर्थ रेस का एक लीडर बन चुका है। एंड जो लो फेंग की जो गॉड जर्नी है वो अभी से स्टार्ट होगी इस वीडियो के बाद।
और गाइज आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो ल्यू फैंग है वो अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और वो शायद से अभी पूरी तरीके से अनडाइंग बन चुका है, लेकिन गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही जो ल्यू फैंग है उसकी एनर्जी इतने सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ी है, क्योंकि उसने इतने सालों तक प्रैक्टिस की है और अपने बॉडी को ट्रेन किया है और अपनी मेंटल एनर्जी को भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ट्रेन किया है, लेकिन गाइज असल मायने में जो ल्यू फैंग है उसने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। उसने बस अपनी मेंटल एनर्जी या फिर अपनी कॉन्शियसनेस, अपने विल पावर और अपने हार्ट के पर काबू किया है। तो गाइस आगे जाके ल्यू फैंग को और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके आगे की जो भी ल्यू फैंग की ट्रेनिंग होगी वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बींग से काफ़ी ज़्यादा अलग होगी, क्योंकि इसके आगे की जो ल्यू फैंग की ट्रेनिंग होगी वो खुद एक यूनिवर्स के गॉड उसके करवाने वाले हैं, और ये जो गॉड है ये पूरे यूनिवर्स के गॉड है, और मेरी बात मानो कि इस पर्सन से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं हो सकता पूरे के पूरे सोलो स्टार नोवल के अंदर। फिलहाल के लिए फ्यूचर के अंदर ल्यू फैंग हो सकता है। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, होप करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।